मंत्री जी का एक दवाई जूता चप्पल और कुटाई। एक दिन हमारे साथ रह करके आप देख तो लो, फिर पता चल जाएगा। पूरे प्रांत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। बहनो, एक तरफ जहाँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, महिला को बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ बेटी को बेचने का काम ये कर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, ये सिर्फ पेपर पे मंचों से, रेडियो से मन की बात कहते हैं, लेकिन हम महिलाओं की मन की बात सुनने को तैयार नहीं। इसलिए हम लोगों को अपने स्टेट से लेकर केंद्र तक धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनको मन की बात कहने की नौबत आती है। अब ये हम इसको सुखद महसूस करें या दुखद, दुख की बात है, ये बहुत ही हमारे लिए दुख की बात अब हो गई है कि एक तरफ जहां महिला हमारी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी गौरवान्वित कर रही है हमारे देश को कि ये हमारी देश की महिला राष्ट्रपति हुई। हमारे राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पे भी बहुत सारे महिलाएं ही हुई हैं। हमारे विभाग में समाज कल्याण मंत्री जो अभी केंद्र में है वो स्मृति ईरानी जी हैं। अदर स्टेट में जेंट्स भी होते होंगे। हमारे विभाग में डीपीओ से लेकर सीडीपीओ सुपरवाइजर तक सब महिला कर्मी हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम महिलाओं का शोषण महिला ही कर रही है। इस मंच के माध्यम से माननीय मुर्मू जी को हम संदेश देना चाहेंगे कि आप भी एक माँ हैं, आप किस स्थिति से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारे दुख दर्द को आप समझने की कोशिश करें। स्मृति रानी जी, आप भी एक महिला हैं, आपको पता होना चाहिए कि घर पर परिवार चलाने के लिए कितनी कष्ट उठानी पड़ती है माताओं को, महिलाओं को। अभी के जमाने में ये 4500 रुपए से कुछ होने जाने को नहीं है। हमारी केंद्र सरकार जो है वो मात्र 4500 रुपए हमारी आंगनवाड़ी बहनों को देती है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी 2 गुना किए थे, 1500 से 3000, लेकिन इन्होंने 3000 का आधा करके हम लोगों को 4500 पर अटका दिया। शायद ये भी डबल होता तो 3 गुनी 6000 पर हम लोग जाते। तो ये इनकी मन की बात इनकी मन तक ही रहती है, हम लोगों तक नहीं रहती है। हम लोगों की बात सुनने के लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये बार बार बोलते हैं कि हम क्या है भैया, अरे हम तो भिखमंगे हैं, हम तो गरीब है, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन हम झोला उठा करके नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारा घर परिवार है, हमारे पिताजी हैं, सास ससुर है, हस्बैंड है, बाल बच्चे हैं, उनको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। हम तो यही देश की धरती पे रहेंगे, हम अपने स्टेट की धरती पे रहेंगे, हम अपने जन्म भूमि पे रहेंगे। आप जैसे तो हम घूमेंगे नहीं। अब आपने कब चाय बेचा, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, और हम आंगनवाड़ी सेविका काम करते करते सेविका ही रह गए। क्या इसमें कुछ गलत है? गलत है तो आप लोग भी बोल सकते हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी स्थिति बोल रही है। क्योंकि हम लोग गर्भावस्था से लेकर ही नहीं, बल्कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का काम करते हैं। ये जो हमारा नियमावली, जो कार्य प्रणाली बनाने वाले लोग थे, ये लोग बहुत ही बुद्धिमान थे। हम लोगों से कोई काम नहीं छूटा है,
इतना ही समझ लीजिए जन्म से मृत्यु तक के अंदर में सब आ गया। हम लोग गर्भावस्था में देख रहे करते हैं गर्भवती माताओं को, प्रसव पूर्व उनका देखभाल होता है कि कैसे उनको हॉस्पिटल तक ले जाना है सुरक्षित प्रसव कराने के लिए, फिर वो बच्चे को ये स्तनपान के लिए समझाओ, उनके माता पिता को 6 माह होते हुए उपरिहार की शुरुआत कर दो, जैसे ही उनका 3 से 6 हुआ आंगनवाड़ी में ये करो पढ़ाई लिखाई, 6 से ऊपर हुआ अभी इसमें एल्बेंडाजोल है तो विटामिन ए है तो फाइलेरिया है तो जनगणना है तो जाति गणना है आर्थिक गणना है बीएलओ है, भैया जितना भी काम है वो सब सेविका ही करे, वाह वाह रे आंगनवाड़ी, सारा काम सेविका ही करेगी, कोई काम नहीं है जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से छूटा हुआ है। इसीलिए अब हमारी महिलाओं को जागना होगा, और हम लोग बोलते हैं नहीं एक नहीं दो नहीं पूरे 60 लाख है, हम सेविका सहायिका मिला करके 2900 राज्य में लगभग 50-60 लाख है, लेकिन हमारी स्थिति ये जो है ये उन पे भारी नहीं पड़ रहा है। जिस दिन आप सजग हो जाइएगा एकत्रित हो जाइएगा एक हो जाइएगा, तब तक हम लोग में वो पावर है कि एक वार्ड में 1000 की जनसंख्या पे हमारी बहाली होती है, वहां 400 से 500 वोटरों की संख्या होती है, उसमें से 100-100 वोटर को भी हम इधर से उधर कर दे तो इनका कुर्सी डगमगा जाएगा, इनको पता नहीं है कि हमारी पावर क्या है। 2024 में इनको हम लोग अपना पावर दिखाएंगे, हाँ बशर्ते कि उस समय आप लोग जातिवाद पे नहीं जाएंगे, उस समय बैकवर्ड फॉरवर्ड अनुसूचित अल्पसंख्यक ये नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये जो बोल रहे थे कि हम देश की तस्वीर बदल देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, इससे भी अच्छा दिन हो सकता है क्या? कितना अच्छा दिन है भाई, रोज पति पत्नी में झगड़ा होता है, इससे अच्छा दिन हो सकता है? 5650 रुपए में हम लोग को पेट पालना होता है, वो तो स्टेट का छोड़िए, मात्र 4500 में इनका 4500 का बिस्किट कुत्ता खाता होगा, इन लोग का एक कप का चाय का दाम 1500 होता होगा, ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री इन लोग का मोबाइल रिचार्ज फ्री है, इन लोग जितना बार सांसद बने विधायक बने मंत्री बने उतना बार का इन लोग का पेंशन चालू होगा, सबका अलग अलग मिलेगा, लेकिन हम लोग आंगनबाड़ी सेविका के पद पे 60 साल तक काम करते रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं। तो आप जो ऐलान करते हैं इनके मरणोपरांत हम 4 लाख देंगे, सेवा मुक्त होते ही 4 लाख दीजिए, वरना आपके मरणोपरांत हम सारी स्टेट की सेविका मिलके 40 लाख देंगे। इतना तो प्रखंड कर सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं हमारे मरणोपरांत, ये खुश हो रहे कि मर जाएगी तो 4 लाख दे देंगे, आप मरिए हम 40 लाख दे देंगे, इतनी हमारी कमजोरी को ये लोग भांप लिए हैं कि महिला है क्या करेगी, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण ऐसे होता है क्या? कभी महिलाओं का ये भला नहीं किए हैं न करेंगे। और एक भाई साहब बोल रहे थे बनारस में हमें गंगा जी बुलाई है, बनारस में गंगा मैया बुलाई है, पाप धोने के लिए गए हैं, ये तो जितना पाप करते हैं साल में जाकर के डुबकी लगा करके पाप धो के आ जाते हैं, जितना महिला का शोषण करते हैं पाप धो करके वहां से आते हैं, गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने नहीं बुलाया है, ये खुद जाते हैं। आज हमको इन्होंने बुलाया है, हमको वेतन मान करे ना, अरे भैया अगर वेतन मान नहीं करोगे तो कम से कम सम्मानजनक मानदेय तो दो, कम से कम 25,000 सेविका को 12,500 सहायिका को दो, इस गरीबी में आपका हर चीज डिजिटल होते जा रहा है लेकिन हमारा मानदेय डिजिटल नहीं हुआ, आपका काम डिजिटल हो रहा है, हम लोगों को 5,000 का मोबाइल दिया गया और इसका बिल पास किया गया इन लोगों की तरफ से 15,000 का, घोटाला ही घोटाला, जहां अरबों खरबों का घोटाला होता है वहां किसी का ध्यान नहीं जाता, और हम लोगों को 10,000 रुपया जो देता है पोषाहार की राशि उस पे इन लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है, उसमें भी
क्या मुंह से हम लोग बोले इतना घटिया शब्द यूज करना चाहेंगे लेकिन नहीं करेंगे, चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग को बद से बदतर स्थिति में ला दिए हैं। अब हमारी सेविकाओं को छोड़ो, महिलाओं का कब उत्थान होगा? कौन आएगा जो हमारा उत्थान करेगा? हमने दोनों सरकार को देख लिया, आपके केंद्र में दो का ही सरकार बनता है ना, या तो यूपीए का नहीं तो बीजेपी का, दोनों तो वही है। सब तो सत्ता भूख के लोभी है, सत्ता भूख में जब पद पे नहीं है तो लंबा लंबा भाषण मारेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, लेकिन जैसे ही पद पे आते हैं सारा वादा भूल गए, फिर कोई वादा नहीं याद रहता। इसलिए आप लोग जागिए, अपनी अंतरात्मा को जगाइए, हक ऐसे नहीं मिलता है। इन लोग को अपनी ताकत को दिखाते हुए हक को छीनना पड़ेगा, और हम लोग अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनेंगे। आगे आइए, आप लोग को एक कविता के माध्यम से ये सुनाना चाहते हैं कि जब ये कृष्ण जी जो बोले हैं कि एक वो समय था जब उनका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो कृष्ण भगवान आए थे उनको बचाने के लिए, लेकिन अब बलात्कारियों दिन रात रोड पे महिलाओं के साथ गलत कर रहा है, लेकिन कोई भगवान नहीं आ रहे हैं। क्यों? उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप खुद अब कृष्ण बनिए। उस पर एक आप लोग को मैं कविता सुनाऊंगी। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धुत बिछाए बैठा सपने, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। तो एक वो जमाना था जो कृष्ण भाई बन करके आए थे और द्रौपदी जी का चीर हरण होने से रोक लिए थे, लेकिन अब कोई हम लोगों को बचाने वाला नहीं है। अपनी हक की लड़ाई के लिए आप लोग को आगे आना ही पड़ेगा, और हम लोग किस किस से आशा करेंगे? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन सरकारों से? खुद जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गुंगा बहरा भी है। होठ सील दिए जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो अब अश्रु तुम्हारे, किसको क्या बतलाएंगे? सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे, अब गोविंद नहीं आएंगे। अब आप एक होइए, अपनी ताकत को दिखाइए, आपकी ताकत ही इनको झुकाएगी या कुर्सी से उतारेगी। बोलने से कुछ नहीं होता है, करना होता है। इनका जो आईटी सेल वाले हैं, अगर गलत भी बोल दे तो काट छाट करके उसको सही साबित करने पर भिड़ जाते हैं, लेकिन वह अदर पार्टी वाला सही भी बोल दे तो उसको पप्पू गप्पू चप्पू करके काट छाट के उसका गलत वायरल करके उसको नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये इनका अंधभक्त सब है, इनको साबित करने वाला, और हम लोग भी उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं। इसलिए अपनी ताकत को दिखाइए, आप इनको कुर्सी से उतारने के लिए अपनी कमी को महसूस करिए कि क्या हम लोगों में कमी है जो ये हम लोगों पे राज कर रहे हैं, अच्छे दिनों का वादा करके, अच्छे दिनों का सपना दिखा करके और हम लोग को बुरे दिनों में ढकेल दिए हैं। एक और इस पे हम आपको बताना चाहेंगे, है बड़ा लेकिन इसमें एक छोटा सा ही है कि हम लोग असफल कैसे हो जाते हैं। ये असफलता का एक तस्वीर है मेरे सामने, शायद किसी को बुरा भी लगे तो माफी चाहेंगे, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन सफलता हम हासिल करके ही रहेंगे। इसलिए इस सफलता के लिए आप लोग को एक होना होगा, आप लोग को ये जो उपस्थिति है ये दिखानी होगी। उनको भी लग रहा है कि क्या है, आती है भाषण तासन मारती है चली जाती है, ऐसा नहीं होगा। अगर राजभवन मार्च भी हमको करना पड़े तो वर्क करेंगे हम लोग, और 2024 में तो ठान ही लीजिए इनको हम बिना उतारे हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार नारा लगी आप लोग, हम आंगनवाड़ी नारी है, हम आंगनवाड़ी नारी है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हर जोर जुलम के चक्कर में, हर जोर जुलम के चक्कर में जान जाए कोई गाड़ी, जान जाए कोई गाड़ी, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, शौक नहीं मजबूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, स्मृति ईरानी हाय हाय, स्मृति ईरानी हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, निर्मला सीतारमण हाय हाय, निर्मला सीतारमण हाय हाय, शौक नहीं मजबूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, हम आंगनवाड़ी नारी है, ईट से ईट बजा देंगे संसद को हिला, ईट से ईट बजा देंगे, ईट से ईट बजा देंगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हर जोर जुलम के टक्कर में एक नहीं दो नहीं पूरे 60 लाख, एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं, आंगनवाड़ी सेविकाओं का मानदेय देना होगा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय देना होगा, पोषाहार बंद करो, वेतन का प्रबंध, पोषाहार बंद करो, पोषाहार बंद करो, पोषाहार बंद करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, आप लोग होश में आइए, जोश जगाइए, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, स्मृति ईरानी होश में आओ, स्मृति ईरानी होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा, अभी तो ली अंदर आई है, अभी तो ली अंदर आई है, अभी तो ली अंदर आई है, सबका सायका जिंदाबाद, 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 अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुद्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुद्दाबाद। इन लोगों को जब अपना बजट सत्र चलता है, अपना जब पेमेंट बढ़ाना होता है, तो थपथपा करके मंच को एक बार ताली बजाते हैं, बढ़ेगा 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 इस सत्ता भोगी सब, और उसमें विपक्षी भी इनका साथ देते हैं, लेकिन कभी सेविका सहायिका के मानदेय पे ये लोग बात नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारियों की कमी होती है। जब मन की बात होती है ना, तो वो ऐसे चापलूसों को चुनते हैं जो कि उनको चुनौती पूर्वक सवाल नहीं कर सकती, जो जी हुजूरी करेगी। हम वैसी सेविकाओं को बोलना चाहेंगे कि चापलूसी करते हैं उस समय करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब मन की बात होता है उस समय कोई आपको बोलने से रोक नहीं सकता, उस समय ताबड़तोड़ क्वेश्चन करिए कि अगर हम आंगनवाड़ी नारी हैं, हमें आप जो 4500 रुपया दे रहे हैं, क्या इससे हमारी
माताओं बहनों का भरण पोषण हो जाएगा? क्या हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा की ओर जाएंगे? क्या वो मेडिकल लाइन, बीपीएससी, यूपीएससी, आईआईटी, आईटीआई, क्या ये सब कर पाएंगे? इतना में एक दिन अगर तबीयत खराब हुआ, कल हम लोग बिहार से आए, हम लोग का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, हम लोग को डॉक्टर लगा, आने जाने में कितना खर्च हुआ आप लोगों को तो पता होगा। इन लोग को फ्री में प्लेन चलता है, फ्री में गाड़ी होता है, हम लोग के लिए कौन प्लेन है भाई? हम लोग के लिए ऑटो कौन सा रिक्शा है भाई? हम लोग रसोई घर में खाना बनाते हैं, ये हम लोगों को बच्चों को खिलाने के लिए क्या देते हैं? 80 रुपए 90 रुपए देते हैं सरसों का तेल, जाकर के मार्केट में देखिए 150 रुपए तेल। मूंग का दाल का देंगे 60 रुपए केजी 70 रुपए केजी, वो दाल आता है 150 रुपए केजी। फल फूल 1 रुपए करके देते हैं पर बच्चे, कौन सा फल मिलता है भैया 1 रुपए का? इनके सामने बैठने का हम लोग को मौका नहीं मिलता, नहीं तो पता चलता कि आगे आगे भागते और हम पीछे से खदेड़ते रहते। और ये खदेड़ना है 2024 में, और इनका जो भी जाएगा ना, बहुत सारे हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं कि जो अच्छे दिनों का वादा करके जाते हैं, आगरा बढ़ जाते हैं ना, करजोरिया करे, मर चप्पल वही जगह सुता देते हैं, तब यही करेंगे। हम लोग के यहाँ जाए ना, तब वही रगड़ा रगड़ी होगा, घुसा घुसी उधर करेंगे बढ़िया से। हमारे बिहारी ठेठ भाषा है, 100 बिहारी 1 पे भारी होता है ना, 1 बिहारी 100 पे भारी करेंगे हम। तो आप लोग एक तब ये तो छूट ही गया था, मंत्री जी का एक दवाई जूता चप्पल और कुटाई है ना, तो अब यही करना है। नहीं देखिए, बड़ी शर्म की बात है, बड़ी कष्ट होती है अंदर से, जो महिला होकर के हमारी मंत्री बनती है और उनको हमारे दर्द समझ में नहीं आ रही है। वित्त मंत्रालय संभाल रखी है, जो एक महिला है उनको समझ में नहीं आती है कि घर परिवार कैसे चलता है। पेट्रोल जो है 150 पार कर गया, क्या हम लोगों के लिए कहीं 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मिलता है क्या? ऐसा है क्या? लेकिन हम लोगों के साथ ये दोहरी नीति क्यों? एक दिन हमारे साथ रह करके आप देख तो लो, फिर पता चल जाएगा कि हम कैसे दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। क्या हमारे बच्चे को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मन नहीं है? हमें पढ़ाने का मन नहीं है? हम भी फैशन झाड़ के नहीं चलते? हम भी ऐसी बोगी में नहीं आते जो हम जनरल फुसा करके आए हैं? अरे आप महिला है, हम भी तो महिला है। आप अपने हस्बैंड के लिए राज रानी है, तो हम भी अपने हस्बैंड के लिए पटरानी थोड़े हैं, हम वो राज रानी है। थोड़ा तो महिला का सम्मान करिए भाई। जेंट्स तो मान लेते हैं, वो तो अपनी मैडम को छोड़िए दिए, एक माँ बूढ़ी है बेचारे, उनको अपना कभी कभी जाके ये करते हैं, और सब हस्बैंड आपके जैसे थोड़े ना पत्नी को छोड़ के भाग जाएगा। क्या उजाड़े औरत का दर्द, जो जिनके पास बेटी नहीं है, बहू नहीं है, बहन नहीं है, वो क्या दर्द समझेंगे? और बोलेंगे हम देश सेवा में 24 घंटा जगे रहते हैं, कहा जगे कर रहे हैं भाई, कहा जगे कर रहे हैं? देश को तो बेच दिए, सही बात है, हंसने वाली बात नहीं है। मेरा देश बिक रहा है, जब सिलेंडर का 400 दाम था, वही स्मृति ईरानी जी रोड पे बैठ के सिलेंडर लेके पीट रहे थे कि देश बिक रहा है, देश बिक रहा है, सिलेंडर महंगा हो गया। आज 1200 पार है तो कौन कोना में जाके छुपी हुई है? आज क्यों नहीं बोल रही है? आज क्यों रोड पे उतर रही है? ये समझने वाली बात है, आप लोगों को समझने की जरूरत है। जब तक नहीं समझिएगा, ये लोग हम लोगों का शोषण करते रहेंगे और हम लोग शोषित हमेशा होते रहेंगे। मोदी जी बहुत लंबा लंबा हाँकते हैं, बहुत माने इतना जोर फेंकते हैं ना कि उनको कोई जोड़े नहीं है। अंधभक्त सब फेंक लोगे एकदम हीरे बना देते हैं। हम लोग कितना चिकर चिकर के बोलेंगे, लेकिन हमें सर बताओ सुनते नहीं करते हैं। बड़ी आज से इच्छा थी कि अगर सामने मिल जाएंगे बताए तो हम ले, लेकिन संजोग से हमको मौका ही नहीं मिला वहां जाने का। अंदर बहुत आक्रोश है, फूट के निकल रहा है, लेकिन क्या करे, ये हम लोग से मिलेंगे ही नहीं, हम लोग को उनसे कोई मिलने ही नहीं देता है। कभी मंच पे आए, हम लोगों के यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी है, पूर्व में भी वही थे,
वो तो इधर उधर पलटी मारते रहते हैं, वो चाहे जिसका भी सरकार हो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। मुख्यमंत्री महोदय माफ करिएगा, जो आपका आचरण है हम वही ब्याह कर रहे हैं। सरकार किसी की भी हो लेकिन मुख्यमंत्री वही रहेंगे। हम लोगों से बहुत खफा थे और जब उनका प्रोग्राम बना हमारे वैशाली जिला में, मैं वैशाली धरती से आती हूँ, बिहार की वैशाली धरती, तो उनका प्रोग्राम बना था 3-3 बार और हम पटना के गांधी मैदान जहाँ पे हम लोग का धरना स्थल था वहाँ से हम यही बोले थे कि जस्ट हमारे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे थे हम, लेकिन सेविकाओं तैयार रहो, इस धरना प्रदर्शन में हम आप लोग को बोल रहे हैं कम से कम सिर्फ वैशाली जिला की सारे सेविका एक हो जाएंगे और सब लोग एक ही कैरेट जो होता है अंडा टमाटर ये सब ले करके रखिएगा और जहां मंच बनी है जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां से 1 किलोमीटर की दूरी है, इतना टमाटर मारेंगे इतना अंडा मारेंगे कि उनका रंग बिरंगा कपड़ा नाम और चेहरा बना दिए तो फिर जे कहिए सो सही, उन प्रोग्राम कैंसिल कर दिए एक बार नहीं 3-3 बार। हम लोग वो हैं, हम लोग सिर्फ भाषण नहीं देते, हम लोग काम करते हैं सुबह से शाम तक, रात में भी अगर सोते हैं ना तो दिमागवा में घंटी बजता है कि कल ये काम करना है। हम लोग प्रेशर की बीमारी भाई पाल लिए अंदर, शुगर हो गया सबको, इतना ही से भी इसका जांच कराया जाए, सबको प्रेशर की बीमारी है, किसी को शुगर का बीमारी है, किसी कोई का हाइपरटेंशन का बीमारी है, ये लोग तो मजे से एसी में बैठ करके मजे ले रहे हैं, इनको क्या पता कि क्या सेविका का दर्द होता है क्या सेविका का कार्य होता है। कोरोना काल में बाप रे बाप, उस कोरोना काल में ये लोग मास्क लगा के इतना दाढ़ी वाले बाबा दाढ़ी बढ़ा के जब कटवाएंगे तो उनको दाढ़ी में कोरोना हो जाएगा। हमारा सबके ना मास्क दिया ना सैनिटाइजर दिया नहीं है हैंड ग्लव्स दिया और बोला कि जाओ सर्वे करके आओ किस घर में किसको खांसी है किसको बुखार है किसको सर्दी है, और हम सेविका डर के मारे क्योंकि हमारा तो पति बेरोजगार है, हम तो गरीब ससुर की बहू है, अगर ये भी नौकरी छूट जाएगी तो क्या करेंगे, स्पष्टीकरण होता है उससे भी नहीं होता है तो सही मायने में चयन रद्द कर दिया जाता है। अब हम लोग भी रिस्क नहीं लेते हैं कि अभी जोश जगा दे कि आप ये काम ना करिए और आपका जब चयन रद्द हो जाता है तो उस पैनल में जाते जाते वर्षों बीत जाता है, वो सेविका का घर परिवार कैसे चलेगा आप हम समझ सकते हैं। तो हम लोग भी वहां पर थोड़ा सा ये हो जाते कि चलो भैया काम करते हैं कम से कम नाम तो होगा, हम कुछ ये नहीं बोलना चाहेंगे, एक एक काम हम लोग अभी यूट्यूब पर डालते हैं फेसबुक पर डालते हैं, जो दलालों को लगता है और गांव समाज में भी कहेगा सेविका सब चोर है, अरे तो कैतवा सब बैठ बैठ करके कोई सोना के चोर कोई खीरा के चोर कोई हीरा के चोर, चोर बात सब चोर में है तो आंगनबाड़ी चोर दिखता है, आंगनबाड़ी तो सच्ची ईमानदार निष्ठापूर्वक काम करती है, 10,000 की राशि में हम 20,000 का काम करते हैं, बोले तो हमारे बिहार में बोले कि सेविका अंडा काट के देती है, 8 रुपए अंडा 5 रुपए रेट दीजिएगा तो काट के ना देंगे तो सोसा कहां से दे, तो वही रंजना जी पहुंच गई हमारी जो प्रदेश के अध्यक्ष पहुंच गई और बोलना शुरू की, उस समय से ये शिक्षा मंत्री थे क्या नाम था उनका कृष्णनंदन वर्मा जी, बोले कृष्णनंदन वर्मा जी अंडा चोर है उन्हीं को अंडा चोर बना दिए हम लोग, हो गया मजा आ गया भाई, सामने बैठिएगा तब तक पता चलेगा, अभी जो हमको नाश्ते के लिए दे रहे हो तो एक केला को काट करके दो भाग करके हमको बच्चों को देना पड़ता है, कल कौन बजे केला काट के देती है, तो आप जो पैसा दोगे हम उसी में ना करेंगे, फिर भी हमारे घर से लगता है, अभी आपको FCI से चावल दिया जाता है शायद और स्टेट में है या नहीं हमारे बिहार में है, FCI से चावल जो जाता है वो 50 kg का बोरा आपको 35 से 40 किलो होता है और हमको बोरा भी 50 kg के हिसाब से दिया जाता है, उसमें क्विंटल भर चावल गायब हो जाता है, 3-4 महीना का स्टॉक दे देता है, कुछ तो सरा मूसा मुसरी खाया और एक तो कम देता है और हमको हिसाब वहां पूरा 50 kg के हिसाब से देना पड़ता है, तो चोर तो हमको तुमने बनाया,
हम चोर नहीं है, चोर हमको तुमने बनाया। तो हाँ, यहाँ पर हमारी भी गलती है। आप जाइए कहिए, जब 50 केजी है तो 50 केजी में से 50 ग्राम हम कम नहीं लेंगे, दो नहीं तो फिर अपना रख लो। लेकिन हम लोग भी वहां क्या कर दे, अरे भैया दे दो। परिवहन क्या देता है? एक परिवहन हम दो जगह खर्च करते हैं, चावल लाते हैं उसमें भी, फिर बच्चों को खाने के लिए पकाने के लिए जो लाते हैं उसमें भी, दो जगह मेरा परिवहन का पैसा जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? हम मोदी जी नहीं है भाइयों बहनों, भाइयों बहनों हम नहीं करेंगे, हमको भाइयों बहनों करने की आदत नहीं है। वो बस यही भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, उनका गला फट जाएगा कभी चंद्र भाइयों बहनों, भाइयों बहनों करते करते। कभी वो काम की बात नहीं किए हैं, हम लोगों को कोई सहयोग नहीं। अभी देखिए कौन विजय माल्या जी है, ये कौन है जियो के अंबानी, अंबानी जी, बाप रे बाप, कितना पैसा सब लूट लूट के मुकेश अंबानी तो नहीं, कौन कौन अंबानी सब पता नहीं होता, नाम हमको पता नहीं है, कहे कि पूंजीपतियों की से हम ज्यादा परिचय पात्र नहीं करते हैं, उनका हम डाटा नहीं रखते हैं। ये लोग पैसा लेके भाग गया, इनका पर कोई ध्यान नहीं है, कहे कि उनके अब बहनों लगते हैं कि दमाद लगते हैं पता नहीं। लेकिन हम सबको नहीं देंगे, हम सब तो भूखे मर भी जाएंगे तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। दिन रात बस काम करो काम करो, कोल्हू का बैल है, जब मन हुआ जुआ दीजिए, काम करते रहिए। विशेष अब क्या बोले, जो बोलना था हर स्टेट की तो यही दुर्गति है, बोलेंगे तो बहुत बात है। आपको बहुत बड़ा प्रवक्ता भी नहीं है, एक छोटी मोटी गांव से आई हुई सेविका है, लेकिन जो दर्द था वो दर्द हम आप लोगों के सामने बयां किए हैं। हम मोदी जी को आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि मोदी जी अभी भी वक्त है, अभी 2022 ही चल रही है, 2024 में आपका इलेक्शन होने वाला है, कम से कम हमारी आंगनवाड़ी बहनों का वेतन मान करिए, नहीं करिएगा तो कम से कम जो मजदूर एक्ट जो चल रहा है उसके तहत 25,000 सेविका का और 12,500 सहायिकाओं का मानदेय करिए। जो सुपरवाइजर बहाली ने अलग से आप 50% का आरक्षण जो दिए हैं वो हमारी सेविकाओं को 100% में से लीजिए। जो मरण प्रांत आप बात करते हैं 4,00,000 देने का, उसके जीवित रहते हुए दीजिए, उनके जीवन यापन के लिए। इन लोग का भी इंश्योरेंस कीजिए, इंश्योरेंस इंश्योरेंस हो रहा है लेकिन किसी का होता नहीं है, इनका भी इंश्योरेंस करवाइए, इनके दुख सुख का साथ ही बनिए। नहीं तो इन लोग का जब हाय लगेगा ना तो वो दाढ़ी नहीं ही कटवाइएगा तो आपको कोरोना हो ही जाएगा, याद रखिएगा। ये हमारी बद्दुआ होगी क्योंकि हम रोते हैं, बहुत रोते हैं। बहुत बड़ा बड़ा गाना होता है, एक हमारी बहन नहीं आई है, बहुत अच्छा गाना गाए थे, बहुत अच्छा गाना गाई थी, हमको याद नहीं है, हम तो लिख के भी नहीं रहे। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, यह शुभ दिन है हम सबका, जरा याद करो। तो वो गाए थे ए मेरे देश के पीएम करके गाए थे, हम नहीं गा पाएंगे, हमको नहीं आता है, जो आया हम उतना ही बोले। तो स्मृति रानी जी आप भी थोड़ा गौर कीजिए, और बजट जो लेकर के बैठी हुई है निर्मला सीतारमन जी, और बजट क्षेत्र में अपना पेमेंट बढ़ा करके जो पूरा बेंच थपथपाने का काम करते हैं, कभी हम लोगों के लिए भी मानदेय बढ़वा करके वेतनमान करके बेंच थपथपाने का काम करिए, हम लोग आपका आभारी रहेंगे, नहीं तो फिर उठा पटक तो चलवे करेगा, उठा पटक बिल्कुल चलेगा, क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ नारा ही नहीं लगाते हैं कि हम आंगनवाड़ी नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, एक सलाई की तिल्ली पूरे जंगल में आग लगा सकती है, तो हम वो तिल्ली है। हम आपको कुर्सी पे बैठाए भी हैं मोदी जी, तो आपको कुर्सी से उठा करके नीचे पटकने का भी ताकत रखते हैं, आधा के अधिकारी हैं हम, जो है आधा के अधिकारी हैं। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने बाणियों को विराम देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।